पूछने के लिए समय होता है एक घंटे का, जिसको बोलते हैं प्रश्न काल, यानी प्रश्न पूछने का समय वो होता है 11 बजे से 12 बजे तक, एक घंटे का, एक घंटे का टाइम है। एक सेशन में टोटल तारांकित प्रश्न लगभग 6,000 से 7,000 आते हैं। कितने? तो एक घंटे में एवरेज निकालें तो 250 प्रश्न आते हैं। मैंने क्या बताया, सबको चाहिए कि तार और कुछ किसी ने बोला था अभी अभी वोटिंग नहीं, थोड़ा और अच्छा शब्द यूज करो। बहुत ही सिंपल चीज, देखो मैं क्या करूंगा, तुम 25 लोगों के नामों की चीट बनाऊंगा, यहाँ एक बॉक्स में रखूंगा, उसकी लॉटरी निकाल दूंगा, लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसको मिल जाएगा। That is not voting, that is lottery. किसी ने बोला था यहाँ से लॉटरी शब्द, I don't know किसका। तो क्या होता है कि 250 प्रश्न है हमारे यहाँ विधानसभा में, एक इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी सिस्टम, उस सिस्टम में वो 250 प्रश्नों को कंप्यूटर में डालते हैं और उसमें से 25 प्रश्न अपने आप निकल के आते हैं कि आज ये 25 पूछे जाए, इन पे चर्चा होगी, बाकी पे चर्चा, मैंने तो कहा था तारांकित प्रश्न पे चर्चा होती है, तो बाकी का क्या होगा? नहीं, अतारांकित पे तो चर्चा होती नहीं, उनका तो उत्तर चला गया, लेकिन तारांकित प्रश्न में से जिन 25 प्रश्नों पे चर्चा होगी और बाकी के सारे प्रश्न चर्चा हुए मान लिए जाएंगे, ये मान लेंगे कि उन पे चर्चा हुए, बात समझ में आई? हो गया, मान लिया जाएगा, हुई नहीं चर्चा, हो गई, मान ली जाएगी कि हो गई, क्लियर है बात? यही व्यवस्था। अब उन 25 प्रश्नों में ये आपका प्रश्न आ गया साइकिल वाला, ठीक। अब ये जो सामने बैठी फलाना फलाना, आप कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, 24, 25 जो नंबर आपको बोलना, प्रश्न क्रमांक ये, माननीय विधायक श्री, क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा, जो भी नाम है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है कि अब प्रश्न क्रमांक फलाने पर माननीय विधायक जी प्रश्न पूछेंगे, ऐसा प्रश्न क्रमांक ये माननीय विधायक श्री आदित्य पाटीदार पाटीदार, बस इतना बोल के आप चुप हो जाए और आदित्य जी आप खड़े होंगे। जब आप प्रश्न करते हैं तो आप सीधे मंत्री से प्रश्न नहीं कर सकते, आप प्रश्न कर सकते हैं इनके माध्यम से, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि, तो फिर क्या होगा आपका पूरा प्रश्न, फिर आप प्रश्न कर देंगे। जैसे ही अपना प्रश्न कंप्लीट करेंगे ये बोलेंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी, बस इतना बोलना है, पूरा सेंटेंस नहीं बोलना, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। जैसे ही इन्होंने ये कहा तो स्कूल शिक्षा मंत्री खड़े हुए, कौन है भाई स्कूल शिक्षा मंत्री? गुड, ये इस प्रश्न का जवाब देंगे। जब ये प्रश्न करेंगे, जो सामान्य नियम है हमारे वो ये कहते हैं कि इस प्रश्न का जब ये जवाब दे देंगे उसके बाद आप 3 काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब आप मान लो इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो 3 बार और प्रश्न कर सकते हैं आप जुड़े हुए उससे, लेकिन आपको यहां पर एक बार करने का राइट दे रहा हूं क्योंकि अपने पास समय का, ठीक है? आपने प्रश्न किया, इन्होंने उत्तर दिया, जब आप उत्तर देंगे तो आप बोलेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि, आप दोनों आपस में सीधे बात नहीं कर सकते, जो भी बात करनी हो किसके थ्रू, क्लियर है बात? यस। अब आप प्रश्न करें बैठे, हाँ पहले आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक, बढ़िया, गुड। माननीय शिक्षा स्कूल शिक्षा मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि अभी साइकिल का वितरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी उसकी साइकिल की कमी होने के कारण वहाँ पर वितरण नहीं हो पाया, अब जैसे साइकिल की पूर्ति हो पाएगी हम उसका जल्दी से जल्दी उसको वितरण कर देंगे।
कुछ और पूछना चाहते हैं? कोई और आप में से कुछ पूछना चाहते हैं? लड़कियों को पूछना चाहिए उनकी साइकिल का सवाल? बोलना सीखो। हाँ नहीं नहीं उनसे अध्यक्ष महोदय के मन शिक्षा मंत्री जी आप राजा अकबर नहीं हो। देखिए ये जो आप लोगों ने बहुत ही जब सेशन चलता है, सेशन आपने देखा नहीं है, सेशन जब चलता है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे? मंत्रियों से, है ना? आपके क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था, बताइए अभी तक उसकी पोजीशन क्या है, क्या क्या किया जा रहा है, जबकि सड़कें अभी तक सूखी नहीं गई है, तो क्या हुआ? मंत्री को उसका जवाब दे रहा है, ना? मंत्री उसका जवाब दे रहा है, और मंत्री जब जवाब दे रहा है, इट मीन्स सडनली हमसे कोई पूछे, मम्मी पूछ ले अभी आज सुबह तुमको 500 रुपए दिए थे, क्या खर्च किए? अगर आपने नहीं खर्च किए या सोचकर उल्टे खर्च कर दिए तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करेंगे? ये सोच के तैयार कर रहा था और आपके साथ जो उत्तर दे रहा है उसे भी बता लिया कि तुम इसका उत्तर क्या दोगे? क्या करोगे इसमें? इसका भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या हो सकता है? उसने बीच में कहीं उत्तर में कुछ चीज छोड़ दी तो उसे तुरंत पकड़ के उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बना रहा है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब उसने पूरा उत्तर सही से दे दिया फिर भी बेफिजूल में कुछ भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी क्योंकि उसी विषय के होने हैं तो वो बिल्कुल वो चार व्यक्ति बैठ के पूरा प्रिपेयर करें कि मुझे ये प्रश्न पूछना है, मैं मेरे दो सप्लीमेंट्री वाले ये हैं, इसका उत्तर देने वाला ये, प्रश्न पूछने वाला ये, तब बनेगा। सर लिख के स्क्रिप्ट दे देंगे, मैम लिख के आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, उससे आपके अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं आएंगी, क्योंकि अगर बीच में आप भूल गए ना तो आप वहाँ खड़े ही रह जाओगे, और जब आप अपने आप लिखोगे तो आपने पढ़ा है क्योंकि खुद तैयारी करी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज खुद। लेकिन अभी आपको और शायद कहीं घूमना है भोपाल में। अब अच्छा सॉरी स्मारक जा रहा है, बोल रहा है स्मारक जी जी ठीक है पास में है, जा सकते हैं। और लेक्चर कैसे रहे सब? मैडम का लेक्चर पूछा था कहीं बहुत।